सो एक और नया दिन और मंजिल की तरफ बढ़ते हैं हमारे एक और नए कदम। नमस्कार, मेरा नाम है शिवदा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी है हम एक नए एपिसोड में और इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ नौचुकी झील। नौचुकी झील राजसमंद में स्थित है और मैं आपको राजसमंद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा, झील के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा। तो अगर आप उदयपुर से आ रहे हैं तो आपको 65 किलोमीटर्स का ट्रैवल करना पड़ेगा, अजमेर वाले हाईवे से आ रहे हैं तो 200 किलोमीटर्स का और भिलवाड़ा से तो 90 किलोमीटर का। तो चलते हैं हम आज अपने इस मंजिल की तरफ और आपको दिखाएंगे कि इस नौचुकी के अंदर ऐसे क्या राज है इसके बनने को, निर्माण को लेकर। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, हम जैसे ही नौचुकी का मेन गेट क्रॉस करेंगे तो हमारे सामने जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो है महाराजा राज सिंह का पैनोरमा। यहाँ पर इस महल के भीतर अभी भी बहुत सी शिल्पकलाएँ मौजूद हैं, बहुत सी मूर्तियाँ मौजूद हैं। हम अंदर नहीं घुस पाए क्योंकि गेट बंद था। आप जब भी आएँ अपने फैमिली के साथ इस महल के भीतर आनंद का नज़ारा जरूर लें। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं ये राजसमंद झील है और आप देख रहे हैं मानव निर्मित नौचुकी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। राजसमंद झील को नौचुकी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप कहीं से भी देख लें, यहाँ पर हर नौ सीढ़ियों के बाद एक चौकी है और इन सीढ़ियों की कुल लंबाई 9-9 इंच है। और इसी के साथ तोरण बनाने के लिए जो पत्थरों का इस्तेमाल किया है वो भी 9 पत्थरों को मिला के ही है, इसलिए इन्हें नौचुकी भी कहा जाता है। यहाँ ऐसे 5 तोरण स्तंभ हुआ करते थे मगर अभी सिर्फ 3 ही सही सलामत में हैं, 2 ध्वस्त हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम नौचुकी पाल पे खड़े हैं और यहाँ की कलाकृतियों को देख के एक अद्भुत अनुभूति महसूस हो रही है मुझे। ये चीज़ वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा ढंग से क्योंकि इस चीज़ को बताने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इसके लिए आपको स्वयं यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ की कलाकृतियों को देखने के लिए, यहाँ के नज़ारों को देखने के लिए आप वो चीज़ एनर्जी फील कर सकेंगे। वो एक एनर्जी आपको महसूस होगी यहाँ पर आके कि यहाँ पर एक अद्भुत सी चीज़ है, मन को एक शांति से मिल रही है। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। मैं चलो आपको मैंने बोला था जैसे फैक्ट बताऊंगा तो फैक्ट बताता हूँ। यहाँ से आप वो जितने भी दूर नज़र जोड़ा के देख रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ आपको पानी दिखेगा। इसके बनने का भी एक इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है वैसे, बट इस जगह पर खड़े तो हम आपको एक छोटी सी बात बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर इसके निर्माण की कहानी मैं आपको छोटा सा सुनाऊंगा। इसकी कुल लंबाई है 7 किलोमीटर, चौड़ाई देखोगे तो 3 किलोमीटर रहेगी। और आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ आप बीच में मत जाइएगा अगर आपको तैरना आता भी होगा, क्योंकि इसकी गहराई है 60 फीट। और महाराजा राज सिंह जी ने इसे निर्माण किया था और इसके बनने का निर्माण की कहानी यह है कि उस समय अकाल पड़ा हुआ था लोगों के लिए,
पानी था नहीं, तो राजा राज सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि वो एक झील का निर्माण करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो गोमती, ताली और केलवा के बीच में बांध का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से ये झील उत्पन्न हो सकी, झील बन सकी। देख सकते हैं आप जैसे दूर दूर तक आप। वैसे आप देखिए ये कलाकृति, जैसे मैंने आपको बताई है, इस कलाकृति के पीछे जो भी इन्होंने यूज़ किया है टेक्निक्स, एक बार आप जब इनको देखेंगे तो आपको एक बार ऐसा महसूस होगा कि आप दिलवाड़ा के जैन मंदिर चले गए जो माउंट आबू में स्थित है। बड़ा ही आनंदमय लगेगा अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 25 ब्लैक मार्बल के शिलालेख हैं, जिस पर रणछोड़ भट्ट जी ने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके पूरे मेवाड़ का इतिहास लिखा है, जिसे राज प्रशस्ति भी कहा जाता है। और इन्हें कवर में इसलिए रखा गया है ताकि मेवाड़ की धरोहर को बचाया जा सके। जैसा दोस्तों मैंने आपको बोला था, इस झील के निर्माण के पीछे का भी एक स्टोरी, एक कहानी छोटी सी है, तो मैं आपके सामने वो साझा करने जा रहा हूँ। तो ये बात उस समय की है, सन 1661 की, जब महाराजा राज सिंह का राज था। और उस समय जो प्रजा हुआ करती थी, उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था पानी के रिलेटेड। सब एकत्रित होकर गए राजा के पास और आग्रह किया कि राजा साहब, पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आन पड़ी है, इसका आप प्लीज़ कुछ उपाय कीजिए। राजा राज सिंह ने तुरंत क्विक डिसीजन लेते हुए ये बोला कि इसमें उपाय क्या करना है साहब, सीधा झील का निर्माण करते हैं आपके लिए। और वो लग गए झील के निर्माण में। तो वो झील का निर्माण कर रहे थे, उस समय नाना करते भी 12 से 20 बार ये झील का निर्माण रुक गया। कुछ भी वो कार्य करते अच्छा होता ही नहीं, बनता ही नहीं, झील का एक पत्थर नहीं पड़ता। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इस धरती माँ ने हर समय बलिदान मांगा है। जब भी कोई अच्छा कार्य हुआ है तो उस समय बलिदान उन्होंने लिया है। ये कहानी भी उस बलिदान पे ही है। महाराजा बड़े चिंतित हुए, बड़े पंडित इन सब से बात की उन्होंने, यहाँ तक कि वो काशी भी गए। जब वो काशी के पंडितों के पास गए तो पंडित ने साफ बोला कि भैया यहाँ पर आपका झील निर्माण नहीं हो पाएगा, कुछ समस्या है, इसके लिए एक ही उपाय है। महाराजा ने बोला वो क्या उपाय है? वो उपाय ये था कि एक पतिव्रता स्त्री जब तक जिंदा समाधि ना ले, ये झील का निर्माण नहीं होगा। महाराजा ने बोला ऐसी बात है? वो चिंतित भी हुए क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय कोई इस चीज़ लेता नहीं था। आज के टाइम में भी देख लीजिए, कोई अगर आप किसी को बोल दो कि भाई आप जिंदा समाधि ले लें इस गवर्नमेंट के काम के लिए, तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया खोज कि देखते हैं कहाँ पर क्या है। जब वो ढूंढने लग गए उस औरत को जो ये चीज़ करे, बहुत ढूंढा नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं जैसे पर्वत है, इन पर्वत को आप देखिए ढंग से। इस पर्वत पे एक पति और पत्नी पूजा पाठ किया करते थे। पत्नी का नाम था माता घेवर और उनके पूज्य पति देव का नाम था दयालसा।
जब उन दोनों पति पत्नी को मालूम पड़ा कि राजा ने यहाँ पर डेरा लगाया है तो बड़े वो चिंतित हुए, क्योंकि वो सोचे कि पहली बार हमारे पहाड़ पे कोई आया है, हमारे घर के पास कोई आया है, हम उन्हें भोजन कैसे खिलाएं। वो चिंतित इसलिए हुए थे क्योंकि उनके साथ 50-100 लोग थे, क्योंकि अगर वो राजा को बुलाते तो उन 50-100 लोगों को भी खिलाना पड़ता। माता बड़ी चिंतित हुई और उन्होंने देवी माता से अरदास लगाई। उन्होंने बोला, हे माता, मैं ऐसे संकट में फंस पड़ी हूँ कि मेरे दरवाजे के बाहर राजा और उनकी गैंग आई है और मुझे उनको कुछ भोजन खिलाना है, मेरे पास इतना साधन नहीं है। क्योंकि वो उस टाइम पे प्रतिदिन हर घर से, जैसे वो जाते थे शहर के और प्रतिदिन एक घर से थोड़ा सा चावल और आटा लेके आती थी और वो खाना बना के खाते थे। जब ये बात माता रानी के कान में गई, क्योंकि भैया भक्त और देवता के बीच में एक ऐसा टूट बंधन है जो कोई से तोड़ नहीं सकता, आकाशवाणी हुई और बोला कि जा घेवर राजा को न्योता दे क्या। 3 बार ये बात आकाशवाणी के थ्रू सुनाई दी और घेवर माता चली गई सीधा राजा के पास और राजा जी से आग्रह किया कि आप कृपा करके आए मेरे कुटिया में और भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। वो बड़े आश्चर्य हुए, वो बोले कि माता, ये चीज़ मेरे को अलाउ नहीं करती, मैं राजा होके एक ब्राह्मण के घर पर खाना खाने जाऊँ। माता ने बड़ा आग्रह किया और वो आग्रह ठुकरा नहीं पाए और वो आ गए और उनके साथ उनकी पूरी गैंग आई थी। माता के पास सिर्फ और सिर्फ 2 आटे की लोई थी। वो जब भी आटा तोड़ती, लोई तोड़ती मीन्स रोटी बनाने के लिए, अपने पति देव का नाम स्मरण करती और ऐसे करते करते रोटी बनती गई, फिर भी उनके हाथ में 2 आटे का लोई बची। राजा देखे बड़े चिंतित हुए कि उनके हाथ में सिर्फ 2 आटे के लोई है और इन्होंने हमें पूरा गैंग को खाना खिला दिया। उन्होंने बड़े आग्रह से पूछा कि माता, ऐसा क्या चमत्कार किया कि जो हमें आपने पूरी गैंग को खिला दिया। माता बड़े नम्र भाव से बोली कि मैं अपने पति का नाम स्मरण करके बना रही थी। राजा का दिमाग वहीं पर ठनका और उन्होंने बोला, जिस देवी को मैं ढूंढ रहा था वो देवी आप ही हैं। माता पूछी, क्या मतलब? उन्होंने बताया कि जो पवित्रता एक औरत में होती है अपने पति को लेके, वो आपके अंदर है। और उन्होंने ये पूरे कहानी बताई कि झील का निर्माण हो रहा है और उसमें आपकी बलिदान चाहिए। माता रानी एक बार भी संकोच नहीं किया और माता जी ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ ऑफर को और बोले, मैं सेक्रीफाइस करूँगी अपने आप को, बट एक शर्त है। राजा ने पूछा, शर्त क्या है? शर्त बस इतनी सी है कि मेरे बलिदान के बाद मेरे पति का नाम मुझसे भी ज़्यादा अमर हो। तो राजा ने उनको प्रॉमिस किया और उन्होंने बोला कि आप ये इस पहाड़ के ऊपर ही मेरे पति के लिए कुछ ऐसा निर्माण करें, कुल मिला के जितना आप यहाँ पर खर्चा करेंगे उतना खर्चा करेंगे। और उस समय पर राजा ने इस झील को निर्माण करते हुए 40 लाख रुपए खर्च किए थे और 1 रुपये ज़्यादा इस पहाड़ के ऊपर खर्च किया। यहाँ पर दयालसा का किला बना जहाँ पर भोलेनाथ को स्थापन किया गया और उसके पुजारी थे दयालसा जी, उनके पति घेवर माता जी के, जैसे आपने स्टोरी देखा। और उन्होंने अपना बलिदान दिया यहीं पर इसी मंदिर में, देखिए साइड में उन्होंने अपनी समाधि ली। माता रानी को सच्चा नमन। मैंने कुछ अगर गलत बात बोली तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं बस एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता था, अगर मुझसे गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये, जैसा आपने देखा माता रानी के बलिदान से ही झील का निर्माण हुआ और आज हम पूरे शहर ये इस झील का पानी का स्वाद चखता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आएँ, माता के दरबार में आएँ, नौचों की झील का आनंद लें। अब तो यहाँ पर बोटिंग भी स्टार्ट हो गई है, आप आएंगे तो आपको आनंदमय का एक अच्छी अनुभूति महसूस होगी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।